गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एज वी नो दैट वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर 4 फ्रॉम द फ्लेमिंगो एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द रेड ट्रैप एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय सेल्मा लज़ारो. चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव रेड दैट व्हेन द स्ट्रेंजर रिजेक्टेड द इनविटेशन गिवन बाय द आयरन मास्टर. So finally, the Iron Master came home and sent his daughter Edla Wilmanson to the forge, to the iron works, so that she would be able to take the stranger to their home. Edla Wilmanson came and asked or invited the stranger again to come with her to their home, and she also addressed him the captain and said to him that she was very sorry that the captain was really having such a hard time nowadays. So children, we are going to start from the third paragraph of page number 38. See the book. So she looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. Ab dekhiye. To the iron master's daughter Edla Wilmanson looked at him very kindly, very compassionately, and in the meantime she noticed that the man was looking very frightened or afraid. अब देखिए, आयरन मास्टर की बेटी एडला विलमैनसन ने उसकी ओर बड़ी दयालुता से देखा और उसने इस बात को भी नोटिस किया कि वो आदमी बहुत भयभीत था. द स्ट्रेंजर वॉज लुकिंग क्वाइट फ्राइटेंड, इतना भयभीत था, दिखाई दिया कि ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग, कि या तो उसने कुछ चुराया है और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल, या वो जेल से बचकर भागा है. She thought and added quickly. उसने सोचा और तुरंत ही अपनी बात को आगे बढ़ाया. She thought and she just continued his words, his statement, and said to the stranger, considering him the captain, बोली कि you may be sure, captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. अब देखिए, उसने इस बात से उस कैप्टन को एश्योर किया. बोली, कैप्टन, तुम्हें उतनी ही फ्रीली हमारे घर से जाने दिया जाएगा जैसा कि तुम चल रहे हो, बट वी ओनली वॉन्ट यू टू स्टे विद अस ओवर द क्रिसमस ईव. लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्रिसमस ईव पर साथ रहें और क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करें. मीनिंग देयर बाई विद दिस द आयरन मास्टर्स डॉटर ऑल्सो इन्वाइटेड द स्ट्रेंजर टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम. अब देखिए, शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर. अब देखिए, द आयरन मास्टर सेड ऑल दीज थिंग्स इन सच ए फ्रेंडली मैनर, इन फ्रेंडली वे. आयरन मास्टर की बेटी ने यह सब इतना फ्रेंडली वे में, इतना फ्रेंडली मैनर में कहा दैट द रेड ट्रैप पेडलर, रेड ट्रैप सेलर मस्ट हैव फेल्ट ए काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर, कि जो रेड ट्रैप सेलर था, जो पेडलर था, उसमें एक प्रकार का आत्मविश्वास प्रतीत हुआ.
It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. अब देखिए फाइनली रेड टेप सेलर ने उस स्ट्रेंजर ने या कह सकते हैं उस कैप्टन ने जिसे के एडला विलमैनसन ने कैप्टन समझा था, एडला विलमैनसन और आयरन मास्टर ने, तो एडला विलमैनसन से बोला कि आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा, आई विल कम एट वंस एंड नाउ आई विल एक्सेप्ट योर इनविटेशन एंड आई विल कम विद यू एट वंस। मैं आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तो तुरंत ही आपके साथ चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. तो देखे he accepted the fur coat which the valet had brought with him and the valet, the attendant gave the fur coat with a deep bow in respect and the stranger threw it over his legs, dirty clothes, and followed the young lady out to the carriage. And he started going or started following the young lady towards the carriage. And without granting the astonished blacksmith so much as a glance, and he did not say anything to the blacksmith and the helper. He did not want to say anything, and the blacksmith, the master blacksmith and his helper were very much surprised to see all this. अब देखिए क्या होता है कि जो स्ट्रेंजर है उसने फर कोट एक्सेप्ट किया जिसे कि अटेंडेंट अपने साथ लेकर आया और उस फर कोट को अपने गंदे कपड़ों के ऊपर पहन लिया और यंग लेडी के साथ चल दिया आयरन मास्टर के घर जाने के लिए। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस ही हैड इविल फोर बोर्डिंग्स बट वाइल और एट दैट टाइम व्हेन ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मेनर हाउस टूवर्ड्स द हाउस ऑफ द आयरन मास्टर ही स्टिल हैड बैड फीलिंग्स बैड थॉट्स इनसाइड हिज माइंड। अब देखिए जब वो अब आयरन मास्टर के घर जा रहा था तभी भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। Why the devil did I take that for fellow's money? He thought. अब देखिए वो सोचने लगा अरे उसने उस व्यक्ति के पैसों को क्यों चुराया। Why he had stolen money from the old man's cottage? और सोचने लगा कि now I am sitting in the trap and will never get out of it. बोले अब मैं एक ऐसे ट्रैप में एक ऐसे जाल में फंसने जा रहा हूँ दैट आई विल नेवर कम आउट ऑफ दैट जिससे कि मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव अगले दिन देखिए क्रिसमस ईव था। ईव का मतलब द इवनिंग बिफोर द क्रिसमस फेस्टिवल। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट He probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. Take when the iron master came to the dining room to have the breakfast, so he was feeling himself quite contented and satisfied that he would be able to take his old regimental comrade to his home. And the old regimental comrade whom he had met so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस ईव था और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आया तो अपने आप को बड़ा संतुष्ट महसूस कर रहा था ये सोचते हुए कि किसी तरह से वो अपने पुराने रेजिमेंट के साथी को घर लाने में समर्थ हो सका जिससे उसकी मुलाकात बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुई। First of all, we must see to it
that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. अब देखिए, the iron master said to his daughter, Edla Wilmanson, who was busy lying the table. Edla Wilmanson से iron master ने कहा, Edla Wilmanson जो कि टेबल पर भोजन लगाने में व्यस्त थी, बोला पहले तो हमें ये देखना है कि हमें उसे खाने के लिए अच्छा देना चाहिए जिसकी जिससे उसकी हड्डियों पर कुछ फ्लैश आ सके, कुछ मांस आ सके. कह सकते हैं कि द आयरन मास्टर सेड टू हिज डॉटर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट इम्प्रूव द डाइट ऑफ द स्ट्रेंजर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट ही शुड बी सम फैट एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. और बाद में हमें ये देखना है कि हमें उसको करने के लिए कुछ और काम देखना है उसकी अपेक्षा कि वो कंट्री साइड में घूमता फिरे रैट ट्रैप्स बेचते हुए, चूहे दानियां बेचते हुए. तो देखिए, पहले तो आयरन मास्टर ये प्लान कर रहा था कि उसकी डाइट को इम्प्रूव करना है, और उसके बाद वो अपनी बेटी से कह रहा था कि उसे रैट ट्रैप्स बेचने के स्थान पर कोई और काम करवाना चाहता है. इट इज क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. देखिए, एंड द डॉटर ऑल्सो एडेड, एडला विलमैनसन ऑल्सो सेड टू हर फादर. एडला विलमैनसन ने भी अपने फादर से कहा कि रियली इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट ही इज पासिंग हिज डिफिकल्ट टाइम नाउ इट इज. बोले ये वास्तव में बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो आजकल बड़े कठिनाई के दिनों से गुजर रहा है. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. कहती है लास्ट नाइट जब मैंने उसे देखा तो इट वॉज नॉट अपीयरिंग दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. तो ऐसा नहीं लग रहा था मानो वो कभी शिक्षित व्यक्ति रहा हो. तो देखिए, आयरन मास्टर फिर अपनी बेटी से कहता है कि यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. फादर ने कहा, मेरी बच्ची आपको पेशेंस रखना है. एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. एज सून एज ही विल गेट क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, और जैसे ही वो साफ सुथरा होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तो यू विल सी समथिंग डिफरेंट. यू विल सी हिम इन द रियल आइडेंटिटी. तो तुम कुछ अलग देखोगी. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड. कल रात वास्तव में वो शर्मिंदा था. लास्ट नाइट ही वॉज रियली वेरी मच अशेम्ड एंड एम्बेरेस्ड एंड वी कैन से ही वॉज डिस्परेट. द टाम मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द टाम क्लॉथ्स. और जो टाम मैनर्स हैं, जो आवारापन के जो मैनर्स हैं, वो उसके साथ समाप्त हो जाएंगे जब वो अपने टाम क्लॉथ्स उतारेगा. मीनिंग thereby, we can say that the iron master was telling his daughter that all the calm manners will go away from him when he would take off his calm clothes, his dirty and rags from his body. So in this way, the iron master and his daughter were making a conversation with each other, and they were talking to each other for the well-being of the stranger. Of stranger, we can say, of the old regimental comrade of the iron master.
सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी शैल गो थ्रू द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू.